और बुलेटिन मबरूक करेंगे अखिलेश यादव का। बताइए कितने नौजवानों को रोजगार नौकरी मिली है, बड़े बड़े आयोजन किए गए इन्वेस्टमेंट के लखनऊ में, जिसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी भी आए, वो सब आए। बताइए कहां पर कारखाना लग गया, कहां पर उद्योग लग गया। और जैसे ही चुनाव आया तो बताइए मिसाइल का सपना दिखा रहे हैं झांसी के लोगों को, बुंदेलखंड के लोगों को। यहां के लोग अब भारतीय जनता पार्टी के झांसे में आने वाले नहीं है। चुनाव आ गया तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं लैपटॉप बांटेंगे, टैबलेट बांटेंगे, स्मार्टफोन देंगे। और इस सरकार ने अगर अपना वादा पूरा किया होता तो लॉकडाउन में नौजवानों को और छात्रों को और आम लोगों को इतनी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता। ये तो कह रहे थे हम डाटा फ्री देंगे, वाईफाई कर देंगे, लैपटॉप देंगे, स्मार्टफोन देंगे, टैबलेट देंगे। अगर दे दिया होता तो लॉकडाउन के अंदर इतनी तकलीफ और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता किसी को। लेकिन लैपटॉप क्यों देंगे? हमारे बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना ही नहीं जानते। अगर वो चलाना जानते होते तो शायद लैपटॉप भी देते, वो उसकी जरूरत को समझते। अब जब चुनाव आ गया है तो अब टैबलेट देने जा रहे हैं। कौन सी टैबलेट दी इन्होंने? ये नाम बदलने वाली राजनीति और काम दूसरों का अपना बताने वाले लोग। नाम बदलने वालों को जनता बदल देगी और बदलाव की जो लहर चली है, बदलाव की तरफ जनता चली है, इनको उत्तर प्रदेश से हटाने का काम करेंगे। 100 से 112 कर दिया, 100 से 112, 100 से 112 से कौन सा लाभ पहुंच गया? इतना अन्याय पुलिस के माध्यम से सरकार ने कराया है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ है उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस दिए उत्तर प्रदेश सरकार को, सबसे ज्यादा जात के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव अगर कहीं हो रहा है शासन और प्रशासन से तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इसलिए जनता ने मन बनाया है, किसानों ने, नौजवानों ने, व्यापारियों ने मन बनाया, सरकार का सफाया होगा। बुंदेलखंड के किसानों को हम भरोसा दिलाना चाहते हैं, समाजवादी सरकार में जो पानी का इंतजाम होना शुरू हुआ था और तेजी से काम होगा। अभी तक तो ये सरकार हमारे काम का उद्घाटन करती थी। अभी जो उद्घाटन हुआ है वो हमारे चाचा उद्घाटन कर गए, उनका भी उद्घाटन कर दिया इन्होंने। जो डैम बनने थे वो डैम अभी पूरे नहीं हुए हैं, बजट नहीं दे रहे उसका। इसलिए समाजवादी सरकार बनेगी खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए, और कम से कम हमारे बुंदेलखंड के किसान 2 फसल ले सकें, ऐसा इंतजाम समाजवादी सरकार में होगा। साथ ही साथ बिजली का बिल कितना बढ़ गया है, बिजली का कारखाना नहीं लगाया इन्होंने, चाहे वो ललितपुर हो, चाहे झांसी हो, चाहे सोलर पावर प्लांट की बात हो, समाजवादियों ने बहुत कर करके दिखाया है। चाहे सड़क, चाहे अस्पताल, चाहे जनता को सुविधा देने का काम, समाजवादियों ने अपनी सरकार में बड़े पैमाने पर किया है। अपनी माताओं बहनों को जो हम सम्मान देते थे समाजवादी पेंशन के माध्यम से, आने वाले समय में इस महंगाई में अगर हमें 3 गुना भी देना पड़ेगा तो 3 गुना भी दे करके उनका सम्मान बढ़ाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। आप कस्टोडियल डेथ की बात कर रहे हैं, इधर गृह मंत्री अमित शाह सहारनपुर में आंकड़ों के जरिए जो है आप ही के दावे पे जो है सवाल खड़े कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? नेशनल जो भारत सरकार के आंकड़े हैं उन आंकड़ों में कम से कम ये बताना चाहिए कि महिलाओं और बेटियों पर सबसे ज्यादा अन्याय और अत्याचार कहाँ है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव का आपने सुना, योगी हुकूमत पर जमकर निशाना साध रहे हैं।